साइंस का परिभाषा ही बता दीजिए जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उसको, ताकि लगे कि आपने वहाँ पर भी जवाब दिया है। साइंस जी, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। चलिए, ये विज्ञान का परिभाषा है, इन्होंने सही बताया। जब आप गाड़ी चलती है तो पीछे वाली जो गाड़ी आते हैं यानी साइड मिरर में कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल दर्पण, लेंस, लेंस। चलिए सही बताया, मैंने जानबूझकर लेंस पूछा था, इन्होंने बताया दर्पण है। तो आप समझ सकते हैं मैंने थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ दिया था, लेंस से लगातार ही लेंस क्वेश्चन पूछा था। राम नाम बिनु बिरछे जग जगला, बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे नहीं पलु मट्टी थमला, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे बिनु गुरु सुबुद मुक्ति कहा, रानी राम नाम बिनु अरुण चिमरे, दंड कमल धन शिकार सूत धोती तिरथ गवनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा सो जन्म। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका अगर दो लाइन का आप मतलब अगर समझा पाए हमारे, राम नाम के बिना यह जन्म ही व्यर्थ हो जाता है, राम नाम के बिना यहाँ इस धरती पर जीवन ही व्यर्थ होता है। वेदाह में तम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसा पुरुष था तुम्हें विदित्वाति मृत्यु में ती नान्य पंता विदित्य रहा। इसका मतलब होता है कि सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है, असत्य की कभी जीत नहीं होती है, सत्य को ही ऋषिगण अपना कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। सही बात कहा, जो भी खैर मुझे समझ नहीं आया, अगर आप लोग को समझ में आया तो आप कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि श्लोक नहीं लेकिन हिंदी शब्द समझ में आया कि सत्य से ही, वास्तव में सत्य से किसी भी रास्ते का द्वार खुलता है तो सत्य पर ही चलना चाहिए। आपके हस्बैंड ऑटो चला रहे, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा? और अभी तो आप 2 साल पहले पीछे, तो काफ़ी पहले ज्वाइन किए हैं, थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, थोड़ा क्या बहुत झेले हैं लॉकडाउन में, तो बहुत स्थिति बहुत खराब हो जाती है, लेकिन कभी पढ़ाई पर इसका असर नहीं होता। ये सवाल आपसे इसलिए किया क्योंकि आप पेरेंट्स हैं और चूंकि बहुत सारे ऐसे परिवार मिलते हैं जो अपने बच्चे से ही काम करवाने लगते हैं, ताकि आप एक मैसेज दे सके कि जो पढ़ाई कितना जरूरी है आगे। देखिए, हम तो कभी इसको काम का कभी बर्डन नहीं दिए हैं, हम तो इसको पढ़ने के लिए पूरा समय देते हैं, ये नहीं कि बेटी है तो नहीं पढ़ाना है, हम तो कहते हैं जो पढ़ने वाले हैं उसको अच्छे से पढ़ाना चाहिए, चाहे वो बेटी हो या फिर बेटा हो। तो नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशीष आर्यन, आप देख रहे वंदे बिहार। अभी हम मोहदी नगर में हैं और आपको बताएं कि समस्तीपुर जिले में मोहदी नगर की बेटी पूरे बिहार में बात करें तो 6ठा स्थान पाए हैं 480 नंबर लाकर। इनसे हम बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं, देखिए हम यहाँ पर इनके घर पर उपस्थित हैं। और अदिति जी के बारे में अगर बता दें, अदिति जी की मम्मी टीचर हैं, साल भर पहले उनका जॉब लगा है, लेकिन इनसे पहले इनके पिताजी, आप जानते हैं कि किसी भी परिवार का जो चलाते हैं वह उनके हस्बैंड या बच्चे का पिता होता है, वो ऑटो चला करके अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ा रहे हैं और आज बच्चियों ने उनका सम्मान गर्व से ऊपर कर दिया है कि पूरे बिहार में 6ठा स्थान आए हैं। तो अदिति जी से ही बात करते हैं, अदिति जी इधर आइएगा, क्योंकि हम उस दिन नहीं आ पाए जिस दिन इनका वेरिफिकेशन हुआ था। पहले आप अपना नाम? अदिति कुमारी। पिताजी का नाम? अमित कुमार। मम्मी जी का नाम? कुमारी ज्योति। आपको वेरिफिकेशन में बुलाया गया था और वो बात करेंगे, पहले आपको कितना नंबर आया है वो बताइएगा। 480 95% सबसे अधिक। सबसे अधिक कितने, किस में नंबर है आपके? संस्कृत। संस्कृत में कितने? 99। हम सब पर देखिए, आप लोग रहिएगा बने हुए, हम सारे पर क्वेश्चन पूछेंगे, ताकि आप लोग कोई नहीं कि जैसे काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि तुक्का में आ गया, तुक्का नहीं है, ये पढ़िए। और उसके बाद किस में आए? इसके बाद साइंस में आया। साइंस। मैथ में कितने हैं? 95। सोशल साइंस? 95। हिंदी? 93। चलिए, ये सब आपने जाना है। एक्स्ट्रा विषय में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर हमारे दर्शक को आप बताइएगा क्या क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए थे आपसे, अगर मान के चलिए साइंस की बात किया जाए। साइंस में कुछ परिभाषाएं लिखवाए गए थे, साइंस की पहले परिभाषा लिखवाए थे, पीएच की परिभाषा लिखवाए थे, कौन लेंस, इतने प्रकार के हम चश्मा पहन के गए थे तो तुमको कौन सा दृष्टिदोष है, कौन सा लेंस पहनती हो, यही सब पूछ रहे थे। ठीक है, पहले साइंस का परिभाषा ही बता दीजिए जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उसको, ताकि लगे कि आपने वहाँ पर भी जवाब दिया है। साइंस, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। चलिए, ये विज्ञान का परिभाषा है, इन्होंने सही बताया। आप लेंस की बात कर रहे थे, आपको लेंस लगा हुआ है, अभी तो हमारे सामने आप नहीं है, कौन सा लेंस आप उपयोग कर रहे हैं? अवतल लेंस।
क्या करते हैं आप पहले, दूर की चीजें या पास की चीजें दूर दिखाते हैं? दूर की चीजें अच्छी से दिखाती है, आपको दूर की चीज देखने में थोड़ी कठिनाई होती है। एक और क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, जब आप गाड़ी चलती है तो पीछे वाली जो गाड़ी आते हैं यानी साइड मिरर में कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल दर्पण, लेंस। चलिए सही बताया, मैंने जानबूझकर लेंस पूछा था, इन्होंने बताया दर्पण है। तो आप समझ सकते हैं मैंने थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ दिया था, लेंस से लगातार ही लेंस क्वेश्चन पूछा था, इन्होंने दर्पण दिया, राइट क्वेश्चन है। चलिए मैथ का कोई क्वेश्चन वहाँ से जो पूछा गया था। मैथ में ये वो क्वेश्चन सर मैम बनवाई थी, मूलों का योग पर मूलों का गुणनफल। बता दीजिए थोड़ा सा। 3x² + 5x + 7 मूलों का योग इसका बनवाए थे आप? हाँ। फॉर्मूला बता दीजिए मूलों का योग, हम बनवाएंगे नहीं क्योंकि हमारे पास इतना। मूलों का योग -b/a और मूलों का गुणनफल c/a। सबसे ज्यादा आपको मैथ में जो आता है 20 मार्क्स अप टू 25 मार्क्स का ट्रिग्नोमेट्री से रहता है। ट्रिग्नोमेट्री का अगर कोई भी फॉर्मूला आप बता, कोई मैं पूछ लूँ? चलो तो sec² θ - tan² θ। सोशल साइंस में बताइएगा कि कुछ क्रांति आपने पढ़े होंगे, कोई भी एक क्रांति के बारे में बता दीजिए। अक्टूबरी क्रांति जिसको रूस में हुआ था, तीन चार बार हुआ था क्रांति। आपसे क्या क्वेश्चन सोशल साइंस में वहाँ पूछे? नदी के बारे में पूछा गया था, दिखा दिया गया था कि उड़ीसा के बगल में कौन सा, उड़ीसा से होकर कौन सी नदी जाती है। ये अब आते हैं जो आपका, क्योंकि हमारी भाषा हिंदी है, हिंदी में कोई पोयम बता दीजिए, उसके बाद हम संस्कृत पर आएंगे। पोयम हिरोशिमा है, लौट कर आऊँगा फिर, मेरे बिना तुम प्रभु। एक कोई ऐसा आप जो सुना सके? सुना सके हमको तो ज्यादा नहीं, दो तीन लाइन। राम नाम बिनु बेचे जगी जगमा, बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे नी पलु मट्टी थमला। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुरु सुबुद मुक्ति का रानी, राम नाम बिनु अरव चिमरे। दंड कमल धन सीता सूत धोती, तिरथ गवनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा सो जन्म। कोई बात नहीं, इसका अगर दो लाइन का आप मतलब अगर समझा पाए हमारे। राम नाम के बिना यह जन्म ही व्यर्थ हो जाता है, राम नाम के बिना यहाँ इस धरती पर जीवन ही व्यर्थ होता है। चलिए अब आते हैं अब संस्कृत पर, चूंकि संस्कृत कहा जाता है अब कोई नहीं पढ़ता है, टेंथ के बाद तो ऐसे भी हमारे सिलेबस में नहीं रहता, उसके बाद ग्रेजुएशन में होता है संस्कृत, आप ऑनर्स कर सकते हैं, ट्वेल्थ में बहुत कम बच्चे करते हैं। संस्कृत का कोई श्लोक बताएं, क्योंकि आपको 99 मार्क्स हैं, और उसका हिंदी उच्चारण भी समझाएं क्योंकि मुझे भी नहीं आता। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा पुरुषता तुम्हें तो विदित्वा ति मृत्यु में ति नान्यापंता विदित्य रहा। इसका मतलब होता है कि सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है, असत्य की कभी जीत नहीं होती है, सत्य को ही ऋषिगण अपना कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। सही बात कहा, जो भी खैर मुझे समझ नहीं आया, अगर आप लोग को समझ में आया तो आप कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि श्लोक नहीं लेकिन हिंदी शब्द समझ में आया कि सत्य से ही, वास्तव में सत्य से किसी भी रास्ते का द्वार खुलता है, तो सत्य पर ही चलना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपने तो अच्छा अब आ ही गया रिजल्ट, अब ट्वेल्थ का एग्जाम, ट्वेल्थ में आप जाएंगे, इलेवेंथ में, उसके बाद ट्वेल्थ में आपका ड्रीम क्या है? क्योंकि पापा आपके ऑटो चलाते हैं, मम्मी अभी हाल फिलहाल में टीचर बनी है, 2 साल हो गए, क्या आपका सपना है, आगे आप क्या पढ़ाई करना चाहते हैं? मेडिकल लाइन में जाए। तो मेडिकल के बारे में ये जानकारी शुरू से ही आपको मम्मी पापा दे रहे थे कि मेडिकल में जाना है, या आप सोच रहे हैं ऐसा कि हमको डॉक्टर बनना है या क्या करना है? सोच रहे हैं। चलिए तो कुछ पता है मेडिकल के बारे में आपको कि कौन से पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ना? पहले नीट का एग्जाम निकाला जाता है, उसके बाद कॉलेज में नाम लिखाता है, तब होता है। चलिए यही बात, देखिए हम इस बात ये सब क्यों पूछ रहे थे, क्योंकि देखिए चूंकि जो वेरिफिकेशन होने जाता है तो अधिक बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वहाँ पर क्या सवाल आएगा क्या नहीं आएगा। मैं इनसे सीधा सवाल हुआ, इसलिए आपको सिलेबस सब्जेक्ट वाइज ही इनसे पूछा। अब देखिए इनके पिताजी तो अभी नहीं है, इन्होंने बोला कि हमें नीट का तैयारी करना है, मेडिकल में जाना है और डॉक्टरी की आगे पढ़ाई करना है, सपना है इनका और सोच भी रखे हैं, तो हम आशा करते हैं कि ये कामयाब भी होंगे अपने सपने में। चूंकि किसी भी, खासकर ये लड़की हैं, तो लड़की की कामयाबी में पिता का तो हाथ होता है, लेकिन घर में रहती हैं ज़्यादातर पिता तो अपना काम करते हैं, मम्मी का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मैम
आप क्या कहना चाहते हैं? आज आपकी बेटी बिहार में छठे स्थान पर आई है। पहले तो हमको बहुत खुशी हुआ और मुझे तो जितना भी जो भी आता उसमें अच्छा ही है, लेकिन इतना नंबर आया तो वो बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि आगे ये इसका जो सपना है डॉक्टर बनने का, वो सपना ये पूरी करे और आगे बढ़े जीवन में। राह आसान नहीं होता है, क्योंकि जो नाम लिए हैं वो नीट है और हमको जानकारी है कि बहुत मेहनत करती हैं आपकी बच्ची। आपके हस्बैंड ऑटो चला रहे, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा? और अभी तो आप 2 साल पहले टीचर, तो काफी पहले समझ एक साल पहले ज्वाइन किए हैं। थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, थोड़ा क्या बहुत झेले हैं लॉकडाउन में, तो बहुत स्थिति बहुत खराब हो जाता है, लेकिन कभी पढ़ाई पर इसका असर नहीं होता। ये सवाल आपसे इसलिए किया क्योंकि आप पेरेंट्स हैं और चूंकि बहुत सारे ऐसे परिवार मिलते हैं जो अपने बच्चे से ही काम करवाने लगते हैं, ताकि आप एक मैसेज दे सके कि जो पढ़ाई कितना जरूरी है आगे। देखिए, हम तो कभी इसको काम का कभी बर्डन नहीं दिए हैं, हम तो इसको पढ़ने के लिए पूरा समय देते हैं। ये नहीं कि बेटी है तो नहीं पढ़ाना है, हम तो कहते हैं जो पढ़ने वाले हैं उसको अच्छे से पढ़ाना चाहिए, चाहे वो बेटी हो या फिर बेटा हो। तो आने वाले अभी जो हम काफ़ी हमारे समाज में गरीब लोग हैं, उनको क्या कहेंगे कि कैसे पढ़ाया जाए बच्चे को, जैसे आपने बहुत मेहनत की? हाँ, तो अगर बच्चे में लगन है पढ़ने का तो उसको पूरा समय दें और बच्चे पर विश्वास रखें कि वो आगे कुछ कर सकती हैं या कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनसे पूछते हैं, अब आपसे जो छोटी बहनें होंगी, भाई होंगे, यानी कि जो समाज में होंगे, उनको आप क्या कहना चाहते हैं कि आपसे भी अच्छा कर सके, वो कैसे पढ़े? आप क्या कहना चाहते हैं आपसे अपने छोटे भाई बहन? सबसे ज़्यादा तो अपने पढ़ाई के लेवल को अन्य काम के लेवल से सबसे ज़्यादा ऊपर रखना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, देखिए, इन्होंने सीधा बोला कि पढ़ाई अगर आप करते हैं तो पूरा समय दीजिए, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, ये पढ़ाई की बात किए हैं, तो आप पूरा समय दीजिए ताकि आप उसमें ध्यान लगा सके। ये अदिति कुमारी हैं, पूरे बिहार में छठे स्थान पर आई हैं, 480 नंबर। हमने इनसे क्वेश्चन भी कुछ किया, इन्होंने बखूबी उसका जवाब दिया। बोर्ड वेरिफिकेशन में गई थी, वहाँ पर इनसे राइटिंग भी मैच कराया गया, उसके बाद सत्यापन हो गया है, तब जाकर आप देखिए आज रिजल्ट आया है और इन्होंने बिहार में छठे स्थान पर अपना स्थान को वहाँ पर स्थापित किया। आगे इन्होंने कहा कि हमें मेडिकल में जाना है या नीट की तैयारी करना है, हम आशा करते हैं इससे भी अच्छा नंबर 12th के एग्ज़ाम में। और नीट जो हमारे देश की सबसे बड़ी मेडिकल पढ़ाई कराई जाती है संस्था है, उसमें अब बुलाएं। आप देख रहे वंदे बिहार, अगर फेसबुक यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।